गाइस, दिस इज योर लॉजिकल आर्टिस्ट बीना। आज मैं लेकर के आई हूँ ग्रैंड इंक का वुडन ईजल। इसका मैं रिव्यू करके आपको बताती हूँ ये कैसा है। ये मैंने अमेजोन पे से परचेज किया है। ये 1599 रुपीज में परचेज किया है मैंने अमेजोन से। ये कई बार 100-200 कम में भी मिल जाता है, डिपेंड करता है आपने कब ऑर्डर किया है। तो ये ईजल आप देखिए, ये बिल्कुल 5 फीट का ईजल है। ये पाइन वुड से बना हुआ है। इसका वुड की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट भी है और अच्छा भी है। और अब मैं आपको इसको स्ट्रेच करके बताती हूँ, तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ ऐसे खींचना है और ये कम्प्लीटली स्ट्रेच हो जाता है। इसके साथ देखिए ये 2 स्क्रूज दिए हुए हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 स्क्रू होल्स हैं। ये आपको बैठ करके करना है, नीचे रखना है या ऊपर रखना है अपना कैनवस, उसके लिए है ये। तो फिलहाल मैं इसको आपको यहाँ पे रख के दिखाती हूँ। इसके साथ और एक अटैचमेंट है ये, जिसके ऊपर की आपको अपना कैनवस को रखना है। तो अभी ये इसको अटैच करने के लिए आप इसके स्क्रूज को इसके विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो ये मैंने इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया। अब मैं आपको इसके ऊपर कैनवस को रख के दिखाती हूँ। तो ये एक कैनवस है, 18x16 इंच का कैनवस है। इसको मैंने इसके ऊपर बस ऐसे आपको रख देना है और इसके बाद आप आराम से इसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। ये ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। आराम से आप इसके ऊपर रख करके पेंटिंग कर सकते हैं। अब ये तो हुआ बड़े साइज़ का। आप इसके ऊपर स्ट्रेच कैनवस जो है वो 3x4 फीट तक के साइज का आप रख सकते हैं। 3x4 फीट के को रखने के लिए आपको बस इसको ऐसे रखना है इसके ऊपर। ये जो ये पोर्शन है इस पोर्शन को आपको यहाँ पे हैंग कर देना है और ये जो स्क्रूज है उस हिसाब से आपको नीचे लगाना होगा, नीचे या ऊपर लगाना होगा। तो अब मैं आपको हर साइज का बोर्ड और कैनवस रख करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी एक बड़ा बोर्ड है, तो ये भी इसके ऊपर मैं रख करके दिखाती हूँ। आराम से, बिल्कुल आराम से रखा गया, बिल्कुल हिलता नहीं है। आपको इस तरह से रखना है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं आपको एक छोटे साइज का भी रख के दिखाती हूँ। छोटे साइज का देखिए बहुत आसानी से रखा जाता है, आप आराम से इसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, बिल्कुल हिलता नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको बैठ करके पेंटिंग करनी है तो आप ये जो स्क्रूज है ये नीचे वाले होल्स में लगाइए, और अगर आपको खड़े होकर के पेंटिंग करनी है तो सबसे ऊपर वाले में लगाइए। तो 1599 रुपीज में आप ये आराम से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी स्टर्डी है ये, आपको काफ़ी दिन चलेगा क्योंकि इसकी वुड की क्वालिटी अच्छी है और पेंटिंग करने में भी ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि ये जो इसका जो ये 5 फीट का जो लेंथ है, यानी कि हाइट जो है वो कम नहीं होता। जैसे मेटल वाले ईजल्स में हाइट कम करके आप उसको कार में आराम से इजीली एक छोटे से बैग में रख करके कैरी कर सकते हैं, तो इसमें वो प्रॉब्लम है कि वो आप इसकी हाइट नहीं कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको घर में आराम से मोड़ करके कहीं पे भी रख सकते हैं, कॉर्नर में जब आप पेंटिंग कर रहे हैं तब आप निकालें, घर में कहीं पे भी कॉर्नर में आप घुसा करके रख सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप इसको आउटडोर्स कैरी नहीं कर सकते, इजीली कार में नहीं ले जा सकते क्योंकि इसकी 5 फीट की हाइट है वो कम नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आपको भी परचेज करना है ये ईजल तो 1599 रुपीज़ में ये अमेजोन पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ये काफ़ी अच्छा है। मेरे पास ब्रूस्टरों का भी ईजल है तो उसका रिव्यू मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। आपको आई बटन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए, कोई और प्रोडक्ट जब तक मैं नहीं लेकर के आती हूँ तब तक के लिए बाय बाय।